हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जो भी बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम के विपरीत अनिश्चय वाचक सर्वनाम से वस्तु व्यक्ति स्थान या भाव के अनिश्चित होने का बोध होता है निश्चयवाचक सर्वनाम के विपरीत अनिश्चयवाचक सर्वनाम से वस्तु व्यक्ति स्थान या भाव के अनिश्चित होने का बोध होता है। जैसे कोई कुछ किसी कौन वहाँ किसने आदि। उदाहरण, कोई आने वाला है। दूसरा, तुम कुछ कह रहे थे। तीसरा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। चौथा है, वहां कोई भी हो सकता है। तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। निश्चयवाचक सर्वनाम के विपरीत अनिश्चयवाचक सर्वनाम से वस्तु व्यक्ति स्थान या भाव के अनिश्चित होने का बोध होता है। जैसे कोई कुछ किसी कौन वहाँ किसने आदि शब्द हो सकते हैं। उदाहरण, कोई आने वाला है। तुम कुछ कह रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वहाँ कोई भी हो सकता है।